सूरापुर में श्री कृष्ण बरही महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। सूरापुर चौक पर बने केंद्रीय मंच पर राजेश मसाला द्वारा फीटा काट कर महोत्सव का शुभारंभ किया गया। इस दौरान जगह जगह झांकी कार्यक्रम एवं भंडारे इत्यादि की व्यवस्था की गई थी। श्री कृष्ण बरही महोत्सव में मंगलवार को श्रीपत मिश्रा मैरिज लॉन में आयोजित डांस का महासंग्राम सीजन 3 की जीतोड़ प्रतियोगिता ने लोगों को रज्जगा कराया, जिसमें उमड़े जनसैलाब को नियंत्रित करने के लिए आयोजकों और पुलिस प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। दो दिवसीय श्री कृष्ण बरही महोत्सव के अंतिम दिन मंगलवार को देर शाम श्री कृष्ण बरही महोत्सव समिति की ओर से कादीपुर रोड पर मैरिज लॉन में आयोजित अंतरराज्यीय डांस का महासंग्राम सीजन 3 में बिहार, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा सहित विभिन्न जनपदों से आए एक से बढ़कर एक प्रतिभागियों ने लोगों को परिसर में बैठने को विवश कर दिया। समूह डांस में प्रथम ब्रदर्स बांड व द्वितीय टीटीसी प्रयागराज, युगल डांस में गोरखपुर के शुभम और प्रिंस को प्रथम तथा द्वितीय, पंपिंग साइलेंस और सीएम पाप प्रयागराज सिंगल सोलो जूनियर आजमगढ़ के जीतू चौहान, द्वितीय तेजस्वनी आर्य प्रयागराज को जज अमन नायर सोनीपत हरियाणा व लवलेश यादव अयोध्या ने स्मृति चिन्ह चेक व शील्ड भेंट कर पुरस्कृत किया। मंच का संचालन युवा गायक ब्रजेश सिंह ने किया। इसके अलावा बाजार की सभी सड़कों पर आला बिरहा नौटंकी कव्वाली आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित हुए। कादीपुर रोड पर कादीपुर तहसील अध्यक्ष पत्रकार राम विनय सिंह, शिलेश बर्नवाल, पंकज गुप्ता के नेतृत्व में डॉक्टर प्रकाश त्रिपाठी, डॉक्टर डीपी शर्मा व डॉक्टर दयाराम मिश्र के नेतृत्व में पत्रकार संगठन उपजा ने निःशुल्क चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया, जिसका शुभारंभ कादीपुर उप जिलाधिकारी महेंद्र श्रीवास्तव व उप पुलिस अधीक्षक शिव मिश्रा ने फीता काट कर किया। कस्बे भर के विभिन्न समितियों ने झांकी, रोड लाइट व महाप्रसाद वितरण में सराहनीय भूमिका निभाई। व्यापार मंडल इकाई सूरापुर में मेले में लगे पुलिस सुरक्षा कर्मी सहित व्यापारी और सफाई कर्मियों का आभार व्यक्त किया। वहीं मेहंदी और मेकअप प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें विजेताओं को उचित पुरस्कार देकर पुरस्कृत किया गया। विधानसभा कादीपुर से पंकज गुप्ता की रिपोर्ट। Thank you.
एक बात जान ले कि पुल की हिम्मत नहीं न हनुमान जी के ताकत रोक ले। अब पुल तो बाबूजी डगमग हो रहा, लेकिन कछुआ को रूप धारण करके भगवान अपने भक्त की लाज बचाने के लिए और जहां जहां हनुमान जी बाबूजी पैर रखता है भगवान अपन पीठ लगाए दी। और जब पीठ लगाए दिए तो माया से बाबूजी इतना खून निकला लागा, इतना खून निकले लागा कि धारा एकदम खून के समान हुई, पानी सब लाल हो चला जात बा। हनुमान जी के नजर पड़ी कि नीचे तो देखे घबरा गए, कि हमसे बहुत बड़ा पाप हो रहा है। एक मतलब हमसे कोई पाप ही हो रहा कि कोई भारी जानवर तो नहीं दब गया, हमने किसी को मार तो नहीं रहे हैं, ये धारा खून के समान क्यों हो रहा है, इसका मतलब मुझसे गलती हो रही है। हनुमान जी देखे पूरा धारा एकदम लाल हो गया, खून के समान हो गया, और वहीं से हनुमान जी पीछे आने लगे, पीछे आने लगे। तो खून दे किसंकित भैले अंजनी की छैया, खून दे किसंकित भैले आई अंजनी की छैया, तबले प्रकट हो गए श्री राम लजिया भक्त